सरकार अभी डर दिखाकर, धमकी देकर, झूठ बोलकर किसान आंदोलन को डिस्टर्ब करना चाहती है, रोकना चाहती है। कल भी हमारे 500 ट्रैक्टरों की तैयारी थी, गांव गांव में पुलिस छावनी बन गया, सब जगह उन्होंने डेरे डाल दिए। और कल सुबह 5:30 बजे गिरफ्तार कर लिया, मुझे कर लिया, जो अजमेर के जिला महामंत्री थे रामेश्वर जी उनको कर लिया। और दिन भर न तो हमको किसी का कॉन्टैक्ट माने दिया, लगातार वहीं थाने पर रखा, और वो भी दूर जाके 45 किलोमीटर नसीराबाद थाने पर। तो ये जो सरकार झूठ फैलाती है, झूठ के भरोसे राज करना चाहती है, हम इतना कहना चाहेंगे इस धरने के माध्यम से कि झूठ की नींवें मजबूत नहीं हुआ करती। जैसे बालू के महल ढह जाते हैं, ऐसे ही मिथ्या आचरण के आधार पर राज करने वाले के कब पखेरु उड़ जाएंगे उनको खुद को पता नहीं लगेगा। इतनी सरकार सावधान रहे, ये मिथ्या बोलना बंद करे, लोगों को डराना धमकाना बंद करे, न उनसे कोई डरेगा न उनके धमकी में आएगा। तो इस मैसेज देने के लिए आज हमने ये धरना दिया है, और हम मुख्यमंत्री जी से, सरकार से कहना चाहेंगे कि जो उन्होंने कागजों में लिखा है उसकी जांच करें। वो लिखते हैं कि हमारे उनके बीच में हॉटटॉक हुई, हमारा हॉटटॉक हुई नहीं। वो लिखते हैं एक हमारे रामेश्वर जी दूसरे गांव में थे और लिख दूसरे गांव की रहे। तो ये जो झूठ लिखते हैं, और उन्होंने लिखा था हमने अनुमति नहीं ली, तो हमने कहा अनुमति की जरूरत नहीं है, हम जब कार्यक्रम नहीं करते तो अनुमति किस बात की, अनुमति तब होती जब हमको कार्यक्रम कर, कार्यक्रम हमारा तो बात सब कूच था, तो कूच होकर जयपुर आना था, जयपुर से दिल्ली जाना था, इसलिए उसमें किसी की भी परमिशन की आवश्यकता नहीं है। तो ये हमने उनको कहा कि वहाँ तुम्हारे अजमेर ज़िले में कोई परमिशन की आवश्यकता नहीं, जहाँ हम असंबल होंगे वहाँ हमने एप्लीकेशन लगाई हुई है। लेकिन उनको तो केवल एक धुन छाई हुई थी कि ऊपर का आदेश है साहब, ऊपर का आदेश है। तो ये ऊपर कौन है, तो मुझे लगता है कि एक कुएं में भांग गुड़ गई भाई, वो नीचे वाले करते तो कोई बात नहीं, तो ऊपर तक ऐसे ही है। तो इनको सुधरने का मौका है, जनता ने इनको जनता के भले के लिए चुनकर भेजा है, वहाँ झूठ बोलने के लिए नहीं। इतनी सरकार है, सावधान हो और सच पर चलना सीखे। इसलिए हमने जो आंदोलन शुरू किया है, हमें तो 14 वर्ष हो रहे हैं, सत्य अहिंसा और शांति के आधार पर ये हम आंदोलन कर रहे हैं। और मांग क्या रहे हैं, हम ये तो कह रहे हैं कि भाई किसान जो पैदा करता है और उसका जो आपने न्यूनतम समर्थन घोषित कर दिया वो किसान को दे हो। अभी सर्च हुए हैं, किसान को बेचनी पड़ रही है 4200 रुपये क्विंटल में, और उसका सरकार ने न्यूनतम समर्थन घोषित किया है 5650 रुपये, यानी एक क्विंटल पर ही 1400 रुपये का घाटा। यही अभी पिछली बार मूंगों की दुर्दशा हुई, मूंगफली की दुर्दशा हुई, जौ की दुर्दशा हो रही है। तो ये जो हमारी उपज है किसानों की, चाहे कोई सी उपज हो, बाजरा खरीदते नहीं है, जबकि बाजरा 2350 रुपये घोषित किया और किसानों को अधिकतम मिला 1800 रुपये। तो आप जो चीज़ घोषित कर रहे हो वो भी दे नहीं पा रहे हो, ये हमारी व्यथा है। और इसके लिए हमने कहा इसका सबसे बढ़िया तरीका है आप न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून बना दो, तो रोज़ किसी को लड़ना ही नहीं पड़ेगा। तो किसान को कमाई छोड़कर लड़ाई करनी पड़े, ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है इस सरकार में। और हम ये भी कहना चाहेंगे ये काम केंद्र सरकार भी कर सकती है, राज्य सरकार भी कर सकती है। तो राज्य के पास यहाँ राजस्थान कृषि उपज मंडी अधिनियम 1961 है, उसके नियम 1963 के हैं। एक शब्द बदल दो वो आज्ञापक हो जाएगा, बाध्यकारी हो जाएगा। एक लाइन जोड़ दो, न्यूनतम समर्थन मूल्य से शुरू होगी नीलामी बोली, यदि लिख दो तो कोई भी किसान जो घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य है उससे वंचित नहीं होगा। इसी के लिए आंदोलन चल रहा है, आज पूरा देश इसी के लिए अपनी आवाज़ उठा रहा है। और पंजाब वाले लगातार निकले हुए घरों से, वो भी लड़ रहे हैं, सड़कों पर संघर्ष कर रहे हैं। तो पूरा देश के लिए वो संघर्ष कर रहे हैं, तो हम सब भी उसी क्रम में उसी ढंग से 2010 से निरंतर संघर्षरत है। और जो दूध से संघर्ष शुरू हुआ आज पूरे देश का संघर्ष बन गया, देशव्यापी आंदोलन बन गया। सबसे ज्वलंत मुद्दा है आज का न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद की गारंटी का कानून, उसी के लिए किसान लड़ रहे हैं। और ये हमारी होगी आर पार की लड़ाई, अब किसान रुकेगा नहीं, ठहरेगा नहीं, बैठेगा नहीं।
साहब मारे खुद चना मूंग ही ऐसे जहाँ ऊपर बाहर 30 कुंटल मूंग बेचे हो जी, जहाँ ऊपर 1500 रुपया कुंटल को घाट हो जे। मन समर्थन मूल्य हो कानून बना दो और काई भी नचाज मन खेतों के मायन पानी दे दियो नंदियों को पानी, और मारे खुद के चना के मायन और सरसों के मायन चना में तो जो 1000 रुपया कुंटल को नुकसान और मूंगा के मायन से 1500 रुपया कुंटल को नुकसान। तो इसी में तो बस 6000 रुपये में मान बस 6000 ही कोई जरूरत कौन, मगर तो समर्थन मूल्य वो कानून बना दियो और आप मूंगा चना न खरीद लियो माँ की आई मांग से। दो को लेकर के किसान जो है वो दिल्ली कुछ करना चाह रहे थे, न्यूनतम समर्थन मूल्य खरीद के गारंटी का कानून बने तथा खेत को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध हो, इन दोनों मुद्दों को लेकर के किसान जो दिल्ली कूच करना चाह रहे थे और इसमें अराई उपखंड के शील गांव में राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट को गिरफ्तार किया, उसके कल ज्ञापन वगैरह प्रत्येक राजस्थान के प्रत्येक जिला हेडक्वार्टर पर ज्ञापन दिया गया है, इनको रिहा कर दिया गया। आगामी आंदोलन की रूपरेखा तय करने के लिए आज का ये कार्यक्रम शहीद समारोह पर ये जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है, आगे की रूपरेखा जो भी तय होगी उसके अनुसार कार्यक्रम चालू रहेगा। MSP के लिए लागू करवाने के लिए हमारे किसान महापंचायती की तरफ से अराई के अंदर रैली निकालने के लिए तैयार हुए थे, लेकिन सरकार द्वारा हमारी उचित मांग को लेकर के जो हम रैली निकाल रहे थे कार्य कर रहे थे उसको भी रोका गया और हमारे नेता अध्यक्ष जो है और रामपाल जाट को अरेस्ट करके ले गए, रात को उनको छोड़ दिया गया। अभी भी अगर सरकार हमारी मांगों के ऊपर विचार नहीं करेगी और इस तरीके का जो है हमारे कार्य के ऊपर दमन करेगी, तो इस दमन को की दमनकारी नीति को दबाने के लिए किसान जो है उग्र रूप भी धारण कर सकते हैं। हम जो है शांति से प्रदर्शन करते हैं, शांति से मांग करते हैं, हमारा लक्ष्य ही शांति का है, लेकिन सरकार जो है जानबूझ करके उनको किसानों को उग्र करने के लिए प्रयास कर रही है, तो किस सरकार जो है वो ध्यान दे और हमारी शांतिपूर्ण प्रदर्शन को देख करके और हमारी मांगों को पूरी करे।